I am your science teacher. Today I will study your first chapter, food. Food, where does it comes from? Let's start. What topic should we learn in this chapter? First is food. What is food? And why do we need food? Next is variety of food. How many variety? Our food. Next is ingredients of food. Next, sources of food. And last is what animal eat. Introduction Food. It is the basic necessity of all living things. It provides energy to do work. It helps in growth of body, repair worn out cells, and gives the strength to protect itself from many diseases. Means, Yahansi is. टॉपिक से मैनी क्वेश्चन अराइज होंगे सो लिसन केयरफुली एवरी वन इट इज द फूड वॉट इज फूड एंड वाई डू वी ईट फूड इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इट हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ बॉडी रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स एंड गिवस अस स्टैंड टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम मैनी डिजीजेज मीन्स ये हमें हमारी वी नो दैट कि हमारी बॉडी जो कि बिलियन सेल्स से मिलकर बनी है एवरी सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है जो कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है फूड कराता है अगर हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो वर्क ठीक से वर्क नहीं करेंगे एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स जब कभी हमें चोट लग जाती है एंड कभी हमारे कट uh, लग जाता है या छिल जाते हैं तो उन, आ, आ, उन को उन चोट को रिपेयर करने के लिए घाव को भरने के लिए सेल को रिपेयर करने के लिए फूड हमें हेल्प करता है गिव्स स्टैंड टू तो प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्राम मैनी डिसीजेज मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे अब को, कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो हमें भी पता है कि हमारे ब्लड में अगर एंटीबॉडीज़ प्रजेंट होंगी उस डिसीजेज यानी मैंने डिस से लड़ने के लिए या कोविड नाइन्टीन के डिसीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में के ब्लड में अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जो कि एंटीबॉडीज़ किस मिलेंगी हमें फूड से मिलेंगी फूड से, से बनती हैं जो कि मैंने डिसजेज़ के अगेंस्ट वर्क करती हैं उनको फिनिश करने के लिए नेक्स्ट इज सो वाई डू भी वाई डू वी नीट फूड बिकॉज वी कंट सर्वाइव वी कंट लीव विदाउट फूड आई कंट आई कंट लीव विदाउट फूड एंड वी विल डिस्कस अबाउट वेराइटी ऑफ फूड वॉट डिड यू ईट एट होम टूडे क्या आपको पता है आप आपने आज क्या खाया है डू यू नो वट यू योर फ्रेंड ईट टूडे आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड ये एंड टूडे आपने कल और आज सेम खाना खाया था नो no? वी वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स वेराइटी ऑफ फूड डिफरेंट वेराइटी आर प्रजेंट वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक एग ब्रेड एसेट्रा इन ब्रेकफास्ट जो कि हम ब्रेकफास्ट में करते हैं राइस दाल चपाती फिश वेजिटेबल एसेट्रा इन लंच एंड डिनर वी नो दैट वी नो दैट वी ऑल नो वी हैव वी ईट फूड थ्री टाइम्स इन डेली ब्रेकफास्ट इन लंच इन डिनर फूड इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आस ऑल लिविंग बींग्स बिकॉज विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम यानी कि हम एवरी फील मील्स में खाने के लिए ब्रेकफास्ट में अलग खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट में लाइट खाना खाते हैं जैसे एग है ब्रेड है एंड लंच uh, uh, में डिनर में हम राइस दाल चपाती फिश वेजिटे वेजिटेबल्स मीट एक्सेट्रा ये सब चीज़ें खाते हैं सो so, हमारी एवरी मील में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ूड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो पीपल रहते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खान खाना आ, खाते हैं और द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसक यानी कि द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी कि उस क्लाइमेट में जैसे समर सीजन है समर सीजन में क्या कौन सा फ़ूड अवेलेबल है एंड विंटर uh, सीजन है विंटर सीजन में कौन किस टाइप का फूड अवेलेबल है एंड पर्सनल यानी पर्सन के पसंद और नापसंद पे भी डिपेंड करता है और क्लाइमेट एंड स्टेट की कंट्री में वहाँ पे किस टाइप का फूड अवेलेबल है किस टाइप जैसे कि केरला है केरला में फ़िश एंड राइस ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उस टाइप का फूड ज़्यादा मिलता है वहाँ पे तो वहाँ के पर्सन उस टाइप का फूड खाते हैं नेक्स्ट इज पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन जो लोग मीट खाते हैं उन पीपल्स को नॉन वेजिटेरियन कैसे हैं पीपल डू डू नॉट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस पीपल हु ईट ओनली एग आर कॉल्ड एक्टेरियन सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अबर मीनस इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम